अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, यू आर वॉचिंग होम शेफ विद सिमरा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से, खैरियत से और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साग चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी है और जस्ट 15 से 20 मिनट में यह तैयार हो जाती है। तो चलिए करते हैं इसकी प्रिपरेशन। सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम साग एंड 100 ग्राम मेथी। 500 ग्राम चिकन ली है, हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 2 मीडियम साइज टोमेटोज रफली चॉप्ड, 1 टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है 100 ml ऑयल और उसमें 1 मीडियम साइज़ की अनियन चॉप करके ऐड कर दी है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी देन उसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन भी यहाँ मैंने ऐड कर दी है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल की हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो कि मैंने आपको दिखाए थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करिए, अपना फ़ीडबैक दिया करिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। बहुत अच्छी कैची रेसिपीज़ हैं जो कि स्पेशली रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और चिकन को सारे मसालों के साथ कुक होने देंगे 8 to 10 मिनट्स। आफ्टर 8 to 10 मिनट्स इसमें ऐड करेंगे 2 ग्रीन चिलीज़ एंड इसमें ऐड कर देंगे साग एंड मेथी जो चॉप करके मैंने रखा था। तो साग, मेथी एंड पालक, ये सारी वेजिटेबल्स बहुत वाटरी होती हैं तो इसमें से वाटर रिलीज़ होता है। जब भी आप डिश बनाएं जिसमें ऐसे वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें वाटर नहीं ऐड करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वाटर रिलीज़ होता है, जैसे कि मैंने इसमें वाटर ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कैश्यू पेस्ट इसमें ऐड किया है जो कि टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर मेरी डिश बन के तैयार है, साग चिकन। चिकन में होता है प्रोटीन और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं आँखों के लिए भी और हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो इन दोनों चीज़ों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है प्रोटीन एंड हेल्दी वेजिटेबल्स का, जो कि आपके घर के बच्चों के लिए भी हेल्दी है, साथ ही साथ आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बहुत जल्दी से बन जाने वाली 10-15 मिनट में ये डिश, और ये रमज़ान में भी काम आ सकती है, जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं और बहुत सारी टेंशन्स होती हैं कि क्या मेन्यू डिसाइड करना है। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।